तो कहानी शुरू होती है राजस्थान की मुनाव गांव में, जो पाकिस्तान बॉर्डर के नज़दीक है। और ये वक्त होता है साल 1985 के, जो ये पूरी कहानी वहां के इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह बता रहे होते हैं। कहानी के पहले सीन में एक बकरी चरवाहा को दिखाया जाता है, जिसे कोई गोली मार लेता है और वो पेड़ से नीचे गिर के तड़पने लगता है। तभी वो आदमी जिसने गोली चलाई होती है, वो उसका कान काटने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ कपल मेकआउट करने खेत में आए होते हैं। गांव में दिवाली होने के कारण चारों तरफ फटाके की आवाज आ रही होती है। तभी खेत में रुके लड़की के घर पे कुछ डाकू हमला करके उस लड़की के माता पिता को मार देते है। गोली की आवाज सुन के वो लड़की अपने घर की तरफ भागती है। तब तक डाकुओं ने घर लौट के जा चुके होते हैं। वो लड़की उन डाकुओं को देखती जरूर है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले सुबह पुलिस इस घटना के बारे में उस लड़की से पूछताछ करती है, जिसे वो लड़की बताती है कि वो इस वारदात के समय मंदिर गई थी और परसों उसके शादी होने वाली थी, जिसे डाकुओं ने उनके सारी जेवर और दहेज के पैसे लूट लिए। लेकिन पुलिस को उस लड़की के बातों पर शक होता है। इंस्पेक्टर सुरेखा ये साफ साफ जान पाते है कि ये सिर्फ एक चोरी नहीं है। इस लड़की का घर एक ड्रग्स का गोडाउन था, जिसे डाकुओं ने चोरी और लूट का रूप दे के यहाँ से वो सारा माल ले चुके है। और वही एक आदमी उसी गाँव के बस्ती महता है पूछने पर वो आदमी बताता है कि उसे कुछ पढ़े लिखे आदमी चाहिए, उसकी शहर में काम है। लेकिन वो गांव वाला बताता है पढ़ा लिखा और शहर में काम करने वाला एक ही आदमी है, जिसका नाम है पन्ना, और पन्ना इस समय गांव में नहीं है। वो आदमी पन्ना के घर जाता है और पन्ना के बारे में उसके पत्नी से पूछता है, लेकिन वो बताती है कि पन्ना 5-6 दिन में घर लौट आएगा। वो उसके बारे में कुछ और पूछ पाती, वो आदमी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पुलिस वाले को उस आदमी का लाश मिलता है, जिसे मूवी में हम पहली सीन में गोली खाते हुए देखे थे। और लाश को देखने पर साफ जाहिर होता है कि उस आदमी को एक हैवान की तरह टॉर्चर करके बड़े ही बेरी में से मारा गया है। उस लाश को पहले देखने वाला एक छोटा लड़का होता है, जिसे पुलिस इंक्वायरी करने पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता, यहां तक कि उस बंदे का नाम तक नहीं पता चलता। पुलिस निराश होकर पास वाले एक होटल पे जाता है, जहां उनकी मुलाकात उस आदमी से होता है जिसने बस्ती में जाके पढ़े लिखे आदमी की तलाश कर रहा था। पुलिस उस आदमी के बारे में उसे कुछ पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बोलता और बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर उस होटल मालिक को उस लाश का फोटो दिखाता है, जो अभी अभी उनको पेड़ पे लटके मिला था। होटल का मालिक मक्खन उसे पहचान लेता है और उसका नाम सुहा बताता है। फिर हम उस आदमी को देखते जिसे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था काम के लिए। उसे देखने पर साफ जाहिर होता है कि उसे किसी का तलाश है। चेहरे पे तो शांति होती है, पर दिल में नहीं। वो पास वाले गांव तारागढ़ में किसी लोकल होटल में रात गुजारता है। अगले सुबह इंस्पेक्टर की फैमिली को देखते जहाँ उनके पत्नी और बेटे उनके काम को लेकर जरा भी खुश नहीं है। वो सिर्फ ड्यूटी से जिंदा घर लौट आए, बस यही उनकी तमन्ना है। और दूसरी तरफ इंस्पेक्टर के सीनियर उन्हें दबाव डालते कि वो किसी तरह उस लुटेरे और हत्या वाली मामला को जल्दी सुलझाए, चाहे वो लीगली हो या इलीगली। और वही उस आदमी को देखते हैं जो काम के लिए आदमी ढूंढ रहा होता है। वो गांव से दूर एक खंडर वाली जगह में केरोसिन और बेड़िया के इंतजाम करके फिर से पन्ना के घर जाता है। लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि पन्ना अभी तक नहीं लौटा है, लेकिन 1-2 दिन में वो जरूर आ जाएगा और वो काम के लिए किसी और से ना पूछे। पन्ना की पत्नी इस बार उसे छाछ पीने के लिए इंसिस्ट करती है और इस बार वो आदमी भी राजी हो जाता है। पन्ना की पत्नी उसे उसका नाम पूछता है, जिसे वो आदमी अपना नाम सिद्धार्थ बताता है और छाछ पी के वो वहां से चुपचाप चला जाता है। वो आदमी 2 बार पन्ना के घर आने के वजह से बस्ती के लोग पन्ना की पत्नी के कैरेक्टर को जज करने लगते हैं। और अब पन्ना और उसके दोस्त कुमार कोलकाता से लौट आते हैं, और आते ही पास में रुके होटल मालिक मक्खन बताता है कि उनके दोस्त सुहा को कोई बेरहमी से मार चुका है और पुलिस उन दोनों को ढूंढ रही थी। पन्ना और कुमार पुलिस के पास जाते जहाँ इंस्पेक्टर सुहा के बारे में उनसे इंक्वायरी करते, लेकिन पुलिस को उन दोनों से भी कोई सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वो दोनों 8 महीने से कोलकाता में थे। पन्ना और कुमार अपने घर लौट आते और रास्ते में पन्ना को बस्ती वालों से ये पता चलता है कि उसके घर उसकी पत्नी से मिलने कोई गैर मर्द आता है, और ये सुन के वो गुस्से से अपने घर जाता है। और वही फिर से सिद्धार्थ पन्ना के घर आता है, लेकिन उसे वहाँ पता चलता है कि पन्ना ने उसके पत्नी को बहुत एब्यूज करके मारा है, क्योंकि वो 2 बार उसके घर आया था। सिद्धार्थ पन्ना से मिलता है और उसे जॉब ऑफर करता है और बताता है कि उसे 4 या 5 आदमी चाहिए
जिसके बदले में वो उसे 2000 और बाकियों को 1000 रुपए देगा। सिद्धार्थ की पुरानी मूर्तियों की व्यापार है जो यहाँ से शहर भेजना है, लेकिन पन्ना ज्यादा पैसे और एडवांस की डिमांड करता है क्योंकि उसके वजह से उसकी इज्जत पर सवाल उठा है। पन्ना कहता है कि उन्हें 4-5 की नहीं सिर्फ 3 ही आदमी काफी है, जो उसके दोस्त कुमार और धन्ना है। धन्ना तो कोलकाता में है, जो 4-5 दिनों में वो आ जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ उसे कहता है कि उन्हें कल निकलना है। उसी रात को इंस्पेक्टर को देखते हैं जहां वो अपनी पत्नी से अपनी जॉब के बारे में पूछता है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दुख रहता है कि वो सारी जिंदगी एक पुलिस इंस्पेक्टर ही बन के रह गए, ना उन्हें कोई अवार्ड मिला ना ही कोई प्रमोशन। अगले सुबह पन्ना, कुमार और सिद्धार्थ शहर के लिए निकलते हैं, लेकिन वो शहर की तरफ ना जाके उसी खंडर की तरफ जाते हैं जहां वो पिछली बार बेड़िया और किरोसिन की इंतजाम कर रहा था। सिद्धार्थ उन दोनों को धोखे से मार के बेहोश कर लेता है और उसी खंडर की अलग अलग कमरे में बंदी बना लेता है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर उस लड़की से फिर से इंक्वायरी करते हैं जिसका माता पिता को मार के घर लूट लिए थे। इंस्पेक्टर उसे सुआ की तस्वीरें दिखाते और सब साथ साथ बताने को कहते है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि वो लड़की उस रात कहाँ गई थी। वो लड़की बताती है कि उनके घर उसके पापा नशीली पाउडर रखा करते थे जिसे बेचकर इस बार उसकी शादी करनी थी, लेकिन वो शादी तोड़वाने के लिए वो खेत में उस रात गई थी और डाकुओं ने भी उनके घर एक पर्चा छोड़ा था जिसे उस लड़की को धमकी मिली थी, लेकिन उन डाकुओं से वो सिर्फ एक को ही पहचानती है जो उसके प्रेमी के गाँव का था। और उस लड़की के प्रेमी को लेके इंस्पेक्टर अपने कुछ पुलिस वालों के साथ उसी गांव के तरफ जाते हैं। जाते वक्त उन्हें वही दो गाड़ी दिखाई देती है जो उस रात को हमला किए थे। पुलिस उनका पीछा करता है जिसे इन दोनों में गन फायरिंग शुरू हो जाती है। इसमें डाकुओं की एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है जिसे डाकुओं के कुछ साथी मारे जाते हैं, और डाकुओं का सरदार दूर खड़े ये देख के बहुत गुस्सा हो जाता है और उसी रात को एक धमकी भरे लेटर इंस्पेक्टर के घर भेजता है। ये पढ़ के इंस्पेक्टर के घर वाले बहुत परेशान हो जाते और इंस्पेक्टर सुरेखा सिंह उन्हें सामान पैक करने को कहते ताकि वो उन्हें किसी रिश्तेदार के पास भेज सके, लेकिन उनके बेटे के द्वारा बाइक का नंबर पता चल जाता है जिसने उन्हें ये लेटर दिया है। अगले दिन सिद्धार्थ पन्ना के घर आता है और उसके पत्नी केशोर को बताता है कि पन्ना ने उसे उनका ऊपर वाला कमरा किराए पे दे चुका है, अगर उसे कोई एतराज ना हो तो वहाँ रहना चाहेगा। केशोर को सिद्धार्थ पहले दिन से ही एक अच्छा आदमी लग रहा था तो इसलिए वो उसे इजाजत दे देती है, और उसी समय पुलिस स्टेशन में उस बाइक वाले को टॉर्चर करके पूछताछ कर रहे होते जहाँ उन्हें यह पता चलता है कि वो डाकों का सरदार पाकिस्तान की फौज में था जिसका नाम फरीब खान है। वो वहाँ से अफीम और बंदूक भेजता था जिसे बाबूलाल अपने घर में रखा करता था। बाबूलाल वही लड़की की पिता है जो उस रात खेत में अपने प्रेमी से मिलने गई थी। दरअसल बाबूलाल फरीब खान को धोखा दे रहा था, वो खुद उस अफीम को बेचने लगा जिसकी भनक फरीब खान को लग गई, इसलिए उसे और उसके पत्नी को मार डाला। साथ ही में इंस्पेक्टर उसे सुआ की फोटो दिखाते हैं और उसके बारे में पूछते हैं, लेकिन वो बाइक वाला बताता है कि इसके पीछे उनका कोई हाथ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है, हम सिद्धार्थ को देखते हैं जहां वो पन्ना और कुमार को हथौड़े से पीट पीट के टॉर्चर कर रहा होता है और दर्द से पन्ना और कुमार बहुत चिल्ला रहे होते, लेकिन आसपास की वीरान होने के कारण उनके चीखे सुनने वाला कोई नहीं होता है। वो उन्हें इतना टॉर्चर कर रहा होता है कि वो दोनों मौत की भीख मांग रहे होते और अपने जायदाद देने के लिए भी रेडी होते। अब रात को इंस्पेक्टर सुरेखा अपने हवालदार भूरे को ये बताते हैं कि बहुत दिनों बाद आज उन्हें पुलिस की ड्यूटी करने में मजा आ रहा है, लेकिन उन्हें एक चीज समझ में नहीं आ रही होती कि सुहा को किसने मारा, लेकिन उन्हें ये यकीन होता है कि ये कोई डाकू या फरीब खान की हरकत नहीं है, इसमें कोई तीसरा आदमी इन्वॉल्व है। अगले ही पल इंस्पेक्टर पन्ना के घर जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि पन्ना दिल्ली चला गया है। हालांकि इंस्पेक्टर पन्ना और कुमार को बिना इन्फॉर्म किए बाहर जाने के लिए मना किए थे, लेकिन उन्हें वहाँ सिद्धार्थ भी मिलता है जो उन्हें बताता है कि पन्ना एक हफ्ते में घर लौट आएगा जो उसी की काम से गया है। इंस्पेक्टर के पूछने पर सिद्धार्थ उन्हें बताता है कि वो एक एंटिक डीलर है जो गांव से खरीद कर दिल्ली में बेचता है। इंस्पेक्टर निराश होकर वहां से चले तो जाते हैं, लेकिन जाते जाते होटल की मालिक मक्खन जो उनके साथ होता है उसे सिद्धार्थ पर नजर रखने को कहते हैं। और अब तक धन्ना भी घर आ चुका होता है जो कोलकाता में था, जहां उसके पत्नी से ये पता चलता है कि पन्ना और कुमार दिल्ली चले गए किसी काम से जहां उन्हें बहुत पैसा मिलता है। ये सुन के धन्ना अगली सुबह पन्ना के घर चला जाता है जहां उसकी मुलाकात सिद्धार्थ से होती है। धन्ना के पूछने पर सिद्धार्थ और पन्ना के बीच हुए सारी डील सारी बातें बता देता है, जिसे सुन के धन्ना भी उसी के साथ तुरंत चलने को राजी हो जाता है। धन्ना की हाव भाव से साफ पता चलता है कि वो एक लालची और चालाक बंदा है।
इसलिए उसे ले जाते समय धन्ना को सिद्धार्थ के ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि वो शहर के तरफ नहीं बॉर्डर के तरफ उसी खंडर के पास जा रहा होता है। धन्ना उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे भी मार के बेहोश कर लेता है और उससे भी बंदी बना लेता है। लेकिन लौटते वक्त उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर से हो जाता है, जहां वो इंस्पेक्टर को सफाई देता है कि रेगिस्तान में 100 करोड़ साल की इतिहास दबा पड़ा है, जिसे खोद के निकालना मेरा काम है। इंस्पेक्टर उसे अपनी खुदाई की लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस मांगते है, जहां वो दोनों ही दिखाता है। इंस्पेक्टर उसे जाने को कहते और बताते हैं कि पन्ना जैसे ही आए उन्हें इन्फॉर्म करे, या तो कॉन्टैक्ट हो सके तो बात करवा ले, और उसके जाते ही वो उसका एड्रेस नोट कर लेते हैं। उसी रात को धन्ना की पत्नी गौरी बहुत परेशान होती है अपनी पति धन्ना को लेके, जहां पन्ना की पत्नी केसर उसे दिलासा देती है कि वो सिद्धार्थ के काम से बाहर गए हैं, और तभी सिद्धार्थ के नज़र केसर के नज़रे से मिलती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से बहुत पहले से ही आकर्षित होते हैं। अब सिद्धार्थ सोने अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसके बिस्तर सजाने के लिए केसर उसके पास जाता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे छूने की कोशिश करता है। केसर इस हरकत से बहुत डर जाती है और वो वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से लौट आती है और खुद को सिद्धार्थ के हवाले कर लेती है, ये कह के कि उसकी कभी बच्चा नहीं होता। फिर ये दोनों में संभोग होता है। सिद्धार्थ जब पिछली बार उस खंडर में गया था, तो उस बार वो भूखे चूहे को उनके पेट में बांध लिया था, जिससे धन्ना बहुत छटपटाने से उसकी रस्सी ढीली हो गई थी। और जब अगली बार सिद्धार्थ उस खंडर में जाता है, तो उसे वहां धन्ना नहीं मिलता, लेकिन उसे उस खंडर की चारों तरफ नजर फेरने से धन्ना दिख जाता है और उसे लाने उसके पास चला जाता है। लेकिन तभी उसे ये करते एक लड़का देख लेता है। ये वही लड़का होता है जिसने सुआ की लाश को पहली बार देखा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। सिद्धार्थ उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़का इतना डरा हुआ होता है कि वो भागते भागते चट्टान से उसका पैर सरक जाता है और नीचे गिर के मर जाता है। उसके बाद सिद्धार्थ धन्ना को फिर से खंडर में लाता है और इस बार उसे जिंदा जला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन पुलिस उस छोटे लड़के को ढूंढने वहीं पे जाते हैं, जहां उन्हें वहां पे कुछ पैरों के निशान खंडर के तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। वो वहां पे जा पाते तभी डाकुओं ने उन पे हमला कर देते है, जिसमें हवलदार भूरे की मौत हो जाती है। इस घटने से इंस्पेक्टर सहम जाते है। दूसरी तरफ धन्ना की पत्नी गौरी को पता चल जाता है कि पन्ना की पत्नी केसर के साथ सिद्धार्थ का नाजायज संबंध है, और वो इसके बारे में इंस्पेक्टर को बता देती है। इंस्पेक्टर उसे सुआ के बारे में पूछते हैं, हालांकि गौरी उन्हें कुछ छुपा रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर सुआ की लाश की फोटो को दिखाते हुए उसे सब सच बताने को कहते हैं, क्योंकि आज सुआ के साथ जो हुआ वो उसके पति के साथ भी हो सकता है। गौरी उसे बताती है कि 10 महीने पहले सुआ एक जमीन खरीदी थी अफीम के खेती के लिए, जहां वो इसके बारे में पन्ना और कुमार को नहीं बताया था। गौरी इंस्पेक्टर को उस जगह के तरफ ले जाती है, लेकिन इंस्पेक्टर को वहां एक एनवलप मिलता है, जिसका एड्रेस सिद्धार्थ की ड्राइविंग लाइसेंस पर लिखे एड्रेस से मिलती है। क्योंकि लेटर खुद सुआ ने भेजी होती है, तो ये पूरी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां 1 साल पहले सुआ मरीन हाउस में काम करता था और वो मौका देख अपने दोस्तों को चोरी के लिए बुलाया था। खबर के अनुसार वहां 4-5 घंटे के लिए कोई नहीं आने वाला था, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां पे उस घर की मालकिन आ जाती है, जिसे सब लोग उस लड़के को दबोच लेते हैं और पन्ना उसके शारीरिक शोषण करने लगता है। बाकी सब साथी घर को लूटने में लगे रहते हैं, लेकिन पन्ना उस लड़की को शोषण करने के बाद एक हैवान की तरह उसे मारने लगता है। उसकी आंख कान मुंह को एक दरिंदे की तरह नोचने लगता है। वो लड़की वही मर जाती है, जिसे हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं सिद्धार्थ की पत्नी थी। सिद्धार्थ इस घटने के बाद वो इंसान तो रहता है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है। उसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि सुआ को मारने वाला खुद सिद्धार्थ ही होता है, जहां सुआ सारी गुनाह कबूल करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सिद्धार्थ केसर को लेके गांव से निकल जाता है। उनके जाने की 1 घंटे बाद पुलिस उस घर में आती है, जहां उन्हें सिद्धार्थ के कमरे में उसकी डायरी मिलता है और उसमें उसकी पत्नी और उसके साथ हुए घटना के बारे में पता चलता है। पुलिस उनका पीछा करता है, लेकिन डाकुओं को किसी तरह पुलिस के बारे में पता चल जाता है कि वो बॉर्डर के तरफ जा रहे हैं। रास्ते में केसर को सिद्धार्थ के ऊपर शक होता है, क्योंकि वो शहर की तरफ नहीं बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। केसर के पूछने पर सिद्धार्थ उसे अपनी पत्नी की फोटो दे देता है। केसर उस फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन सिद्धार्थ उसे खुद पता करने को कहता है और उसे खंडर के तरफ ले जाता है। वहां जाने के बाद पन्ना को देख के केसर बहुत रोने लगती है, लेकिन सिद्धार्थ उसके गले में पहने मंगलसूत्र को निकाल के पन्ना को सच बोलने को कहता है, और पन्ना सारी सच्चाई बता देता है।
दूसरी तरफ पुलिस वालों को डाकुओं ने चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनमें इन दोनों के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। हालांकि पुलिस के सारे स्टाफ मारे जाते हैं और इंस्पेक्टर के पैर में भी गोली लग जाती है, लेकिन बहुत बहादुरी से इंस्पेक्टर उन सब डाकुओं को मार गिराते हैं, जिनमें उनके सरदार फरीब खान भी शामिल होता है। और वो बहुत मुश्किल से खंडर की तरफ बढ़ने लगते हैं और वही इस सब बेसीपन के लिए कुंवर बहुत माफ़ी मांगता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे गोली मार लेता है और केसर के सामने उसके पति पन्ना को जिंदा जला देता है। जब तक इंस्पेक्टर यहाँ पहुँचते तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ को सहानुभूति देते हुए सरेंडर करने को कहते हैं, लेकिन तभी केसर ने उसे गोली मार लेती है, जिससे सिद्धार्थ की मौत हो जाती है और पुलिस को वो छोटा लड़का भी मिल जाता है, जिसकी चट्टान से गिर के मौत हो गई थी। दरअसल वो मरा नहीं था, वो बेहोश हो गया था और उसे सिद्धार्थ ने बांध के रखा होता है। अब कहानी को 6 महीने के बाद दिखाया जाता है, जहाँ केसर प्रेग्नेंट होती है और उसे सिद्धार्थ के रूम से एक छोटी सी बॉक्स मिलती है, जिसमें बहुत सारे पैसे होते जो सिद्धार्थ ने रखा होता है। और यह कहानी यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी।